गाइस, वेलकम बैक टू अनुप्रिया व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे जा रहा है आपका आज का दिन? मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बचपन से लेकर मेरा अब तक का सफर। सब लोग 10 ईयर्स चैलेंज कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए है, जो देखना चाहते हैं कि मैं बचपन से अब तक कैसी दिखा करती थी या शादी से पहले मैं कैसी दिखती थी। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना चेंज आया है और शादी के बाद कितने चेंजेस आ जाते हैं आपके अंदर। तो चलिए, जो लोग देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं बचपन से अब तक का मेरा सफर। ये है मेरी पहली पिक्चर, जो कि मैं 40 दिन की थी तब मेरे पापा ने मुझे मेरे लिए क्लिक की थी। और ये है मेरा ब्रदर, ये कितना खुश हो रहा है मुझे गोद में लेकर, और कितनी क्यूट सी थी ना मैं। तो नेक्स्ट जो है, सब फोटोज़ इधर उधर है तो आपको रैंडम फोटोज़ दिखेंगी। इसके बाद मेरी ये फ़ोटो है जब मैं 2 साल की थी, टकलू, और ये मेरे लंबे लंबे बाल जब मैं, ये भी 2 साल की फ़ोटो है लेकिन झंड से पहले हमारे में पे एक बार झंड उतरवाते हैं, साइड पोनी की हुई है, बिल्कुल अपनी भतीजी की तरह लग रही हूँ ना मैं, बहुत क्यूट है। ये भी मेरा ब्रदर बड़े वाला है। ये है मेरी पहली होली की फ़ोटो है, यहाँ पर ये मेरा ब्रदर खड़ा है और ये मैं हूँ, फिर से मैं हूँ क्यूट सी सफारी सूट में, उस टाइम कपड़े भी ऐसे ही चला करते थे। देन ये फोटो है जब मेरी झंड हो रही थी, मतलब बाल उतर रहे थे तब की, मम्मी भैया। और नेक्स्ट ये मेरी टकलू की हरिद्वार हर की पौड़ी की फोटो, और ये नेक्स्ट वैष्णो देवी की, आई थिंक 4 साल की थी तब मैं पापा के साथ, वहाँ की फ़ोटो है ये। अगेन मैं आधे बाल उतरवा के रो रही हूँ। मैंने आपको बोला था कि रैंडम फ़ोटोज़ होंगी, तो रैंडम फ़ोटोज़ ही हैं ये। तो ये तब की फ़ोटो है। नेक्स्ट ये नैनीताल की फ़ोटो है, ये भी मैं ही हूँ फ्रॉक में। नेक्स्ट क्लिप में भी मैं हूँ, सेम स्टूडियो। और यहाँ पर ये होली की फ़ोटो है, ये सब बच्चे बैठे हैं हम, और ये मेरी प्यारी दादी, ये रही। फ़ोटो थोड़ी सी क्लियर नहीं है क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो ये है। नेक्स्ट ये मेरा छोटा ब्रदर है, ये मम्मी, और ये मेरा कज़न है, मेरा छोटा ब्रदर है, उसकी वैष्णो देवी की फ़ोटो है झंड की, और ये बैठी हैं ताऊ जी, और ये भी असीम है, और ये बैठी है अंकिता वो देख रही है असीम कैसा दिखता था ये मम्मी और असीम, और बाकी ताई जी हैं ये, ये पापा एंड ये मेरी राखी की फोटो है, मेरे भाई की पहली राखी की फोटो एंड मी, और ये नैनीताल की फोटो है मेरी। चलिए बचपन के बाद सीधा जंप करते हैं। ये मेरी 11th स्टैंडर्ड की फेयरवेल थी, और ये मेरी फेयरवेल की फ़ोटो है जब हम फेयरवेल दे रहे थे। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सोनिया, बहुत बार आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट ये मेरी 3 फ्रेंड्स हैं, सोनिया, अमन, सुप्रिया। तो ये हमारी +1 की फेयरवेल की फ़ोटोज़ हैं, तो अभी भी स्टिल मेरी यही फ्रेंड्स हैं। तो अगर कभी नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी तो आप लोगों से मिलाऊंगी। ये हमारी +1 +2 की फ़ोटोज़, ये हमारी +2 की फ़ोटोज़ जो +2 में हमें फेयरवेल मिली थी। देखिए कितने गप्पू शप्पू थी मैं, मोटी से पतली हुई हूँ। फेयरवेल की फ़ोटो, गेम खेल रहे हैं हम लोग स्टेज पर, देखिए कितनी मोटी हुआ करती थी मैं। नेक्स्ट ये हम तीनों की लहंगा की लहंगा पहना था हम लोगों ने, ये हम चारों की। उस टाइम हमें फ़ोटो क्लिक करनी भी नहीं आती थी और मोबाइल्स भी नहीं हुआ करते थे, कैमरे से फ़ोटो क्लिक करते थे हम लोग। ये मैं, ये हमारी BCOM सेकेंड ईयर की फेयरवेल की फ़ोटोज़ है। उस टाइम पोज बनाने भी नहीं आते थे, देखिए फोटोग्राफर किस तरीके के पोज बनवाता था। और इस टाइम मैं थोड़ी सी पतली होना स्टार्ट हो गई थी, ये सूट ऐसा पहना हुआ है इसलिए आपको लग रहा होगा काफ़ी मोटी हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरी फ़ोटोज़ बहुत मोटी आती है। और ये हमारी मिस ईव बनी थी उस टाइम पे, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये हम गिफ्ट्स देते हैं जो रिटर्न गिफ्ट्स फेयरवेल्स को वो हैं,
ये हम तीनों की फोटो, कितनी पतली थी मैं उस टाइम पे, अब फिर से मैंने वेट गेन कर लिया है। ये स्टेज होस्टिंग के टाइम की फोटोज हैं, और ये हमारे पूरे क्लास की फोटो है, पूरी क्लास तो नहीं है लेकिन हाँ जितने लोगों के साथ हमारा ज्यादा टीमों पुआ करता था उनके साथ है। तो ये सभी मेरी फ्रेंड्स हैं, ये रही मैं, इसमें स्लिम लग रही हूँ मैं। और फाइनली हमारी फाइनल ईयर की फेयरवेल, BCom फाइनल की फेयरवेल, जब मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी जिंदगी में। और ये हमारी एंट्री पे हमें गुलाब से हमारा वेलकम किया गया था। ये हमारी फ्रेंड हैं, हम सब ने साड़ीज पहनी थी स्टेज पर, जब मिस ईव के लिए मैं फाइनलिस्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं आया था मेरा नाम, लेकिन हम स्टेज पे गई थी। ये रही मेरी स्टेज पर, हम लोग जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो लोग, एक गिफ्ट देते हुए हमारी फोटो। ये हमारी पूरी BCom फाइनल की क्लास, इसमें से कुछ लोग मिसिंग है जो फेयरवेल अटेंड नहीं कर पाए थे। ये रही मैं, और ये हम चार लोग सिलेक्ट हुए थे फाइनलिस्ट के लिए, और ये डांस करते हुए। और ये हमारी फाइनल ईयर की फोटोज। देन ये घर पे रैंडम क्लिक, ये चाचू की शादी की फोटोज। इस टाइम पे भी बहुत पतली थी मैं, देखिए मेरा फेस अभी भी मोटा है, यहाँ पर भी चाहे मैं कितनी भी पतली हो जाऊं फेस मेरा हैवी ही रहता है। ये ऐसे ही रैंडम साड़ी पहन के घर पे फोटो क्लिक करवाई थी। और ये मेरा पहला ट्रिप जो मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गए थे वैष्णो देवी का। पुरानी यादें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहुत यादगार होती हैं, और फोटोज़ हों तो और भी ज़्यादा यादगार बन जाती हैं। ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर पहली बार जिंदगी में गई थी मैं, ये जलियांवाला बाग, ये बाघा बॉर्डर, और ये हमारा ट्रिप जो कि चंडीगढ़ पंचकुला। ये पिंजौर गार्डन की पिक है, बहुत खूबसूरत है, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो जरूर जाना एक बार अगर आप चंडीगढ़ गए हो तो। ये भी पिंजौर गार्डन की पिक है। ये हमारी चंडीगढ़ में फन सिटी है, वहां की फोटोज हैं ये। खूब मस्ती की थी हम लोगों ने, स्कूल टाइम वापस आना चाहिए दोबारा ये से, तो स्कूल यार कॉलेज स्कूल टाइम वापस जाना चाहिए। ये कॉलेज में रैंडम पिक्स, देखिए कितनी पतली हुआ करती थी मैं, फिर से मोटी हो गई हूँ मैं। गाइस कुछ ऐसा दिखा करती थी मैं शादी से पहले, और अब देखिए कितना चेंज आया है मुझ में। ये मैंने आपको फोटो दिखाई थी जो थी मैंने वो 2000 की फाइनल फोटोज दिखाई थी फेयरवेल की, ये थी 2000 2009 की, और अब चल रहा है 2019, तो 10 ईयर चैलेंज मैंने आपको दिखाया है गाइस ये था अपना। 10 ईयर चैलेंज। आई होप आपको पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा ये ब्लॉग। अगर लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो गाइज ये था मेरा बचपन से अब तक का सफ़र, आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने ये ब्लॉग इंजॉय किया होगा। ऐसे और ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहना, और मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आप सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में और भी सजेशंस देना कि मैं और क्या अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। ये स्पेशली स्पेशली मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए है वीडियो, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे साथ देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।